सर एक और बात कि ये टेस्ट जो है इससे सिर्फ पाइल्स के ही बारे में पता हो चलता है या अन्य बाकी बीमारियों के बारे में भी हम लोग इसके टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं? एनल मैनोमेट्री जो है मोस्टली जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है ज़्यादा समय तक, उसका एग्जैक्ट कारण क्या है, गुदे पेशियों का शिथिलता है क्या, ये डायग्नोसिस करने के लिए उपयोग होता है। एनल इनकॉन्टिनेंस होता है, जैसे मोस्टली नॉर्मल डिलीवरी के बाद महिलाओं में स्टिच लगते हैं, इपिजेटॉमी स्टिच लगते हैं, उसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस होता है। तो ऐसे समय में फ्लैटस इनकॉन्टिनेंस, जैसे मोशन को ना रोक सकना, ना गैस को रोक सकना, ये जो प्रॉब्लम्स महिलाओं में होती है, तो ऐसे कंडीशन में भी इसका उपयोग होता है। और आपको बिफोर और आफ्टर सर्जरी हम लोग पेशेंट का एनल मैनोमेट्री करते हैं, जैसे कि फिशर का बीमारी है तो जिसमें पहले एनल प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहता है, और आफ्टर ट्रीटमेंट वो कम हुआ कि नहीं ये देखने के लिए इसको फिर से किया जाता है। तो जिससे हमारा ट्रीटमेंट एडिक्वेट हुआ है और पेशेंट को भी सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं हमारा ट्रीटमेंट जो हुआ था सही में, पहले एनल प्रेशर इतना था अभी प्रेशर कम हो गया, तो चांसेस ऑफ रिकरेंस आगे जो होने वाले हैं बीमारियों के